जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं, यानी कि मार्च क्वार्टर का इस कंपनी का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा तो नहीं आया है, लेकिन मिली जुली रहा है। पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था उससे कुछ मामलों में इस क्वार्टर में बेहतर आया है, कुछ मामलों में कमजोर भी आया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अभी आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस पर? हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी तेज़ी ही देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी और कितने दिनों तक बरकरार रह सकती है इस रिजल्ट के बदौलत, इसी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सीधे मुद्दे पर चलते हैं। अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे 3.50 रुपये के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है, और तब भी इसने 1.5% के आसपास छलांग इस स्टॉक में देखने को मिले। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग सी कॉस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड का जो काम है और जो फंडामेंटल है उसको बाद में समझ लेंगे। सीधे पहले हम लोग क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टर फोर का रिजल्ट कंपनी का कैसा आया है। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं क्वार्टर के रिजल्ट में, जो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर शो होता है स्क्रीन के वेबसाइट पर। तो ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं क्वार्टर के रिजल्ट पर, और यहां पर देखेंगे तो ये है कंपनी का सेल्स। सबसे पहले देखते हैं सेल्स, मार्च क्वार्टर की बात करते हैं। ये हो गया आपके क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो कि मार्च 2023 का आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल सेल्स हुआ है 115 करोड़ और 50 लाख के आसपास, 115 करोड़ 50 लाख के आसपास टोटल सेल्स हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 111 करोड़ के आसपास था, उसके पहले 109 करोड़ के आसपास था, उसके पहले 93 करोड़ के आसपास। यानी कि आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स लगातार बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी के जो भी सेवाएं हैं कंपनी की सेवाओं को लोग ले रहे हैं, इस कंपनी के सर्विसेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन वहीं पर यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी के सिर्फ यहाँ पर सेल्स बढ़ते हुए दिखे हैं। सेल्स बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, खर्चे बढ़े हैं। जब किसी का भी कमाई बढ़ता है तो उसका खर्चा स्वतः बढ़ जाता है, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ चिंता की बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कम हो गया है। जब पिछले क्वार्टर में बढ़ा था ये भी बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। और अदर इनकम में देखेंगे तो अदर इनकम में भी कंपनी के पिछले तो कुछ क्वार्टर से अदर इनकम कंपनी का बढ़ ही नहीं रहा पिछले 2-3 क्वार्टर से, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ कमाई नहीं हो रही। जो कंपनी का एक्चुअल सर्विसेज है उसी से जो कमाई कंपनी की हो रही है। अब इसका बदौलत हुआ क्या है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि अदर कमाई नहीं हुई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी का कम हो गया। इसलिए इस बार इसको जो सिर्फ नेट प्रॉफिट हुआ है 1.22 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ के आसपास हुआ था, उसके पहले भी तकरीबन 4 करोड़ के आसपास था। यानी कि आप देखेंगे तो अभी जो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1.22 करोड़ के आसपास हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में इससे कहीं अधिक था। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और जो अदर इनकम होता है वो इस बार नहीं बढ़ा, और कंपनी के आपने देखा कि भले सेल्स बढ़ा है लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ गए, तो इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा वो तो बात छोड़ो, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्ट है डेप्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी चलाना है तो कर्जे तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिजर्व है, जिस जो मतलब कैश पैसा होता है वो यहाँ पर देखेंगे वो आपको जरूर बढ़ते हुए दिखा है। तो जब रिजर्व बढ़ रहा है तो उसके साथ यदि थोड़ा बहुत खर्चा भी बढ़ता है तो खास चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी जब चाहे अपने डेब्ट को चुका सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कार्गो के माध्यम से लाद के दूसरे देशों में भेजने का काम करती है, वो सब इस कंपनी का काम है। और इसका फंडामेंटल भी देखेंगे तो फंडामेंटल काफ़ी शानदार है, क्योंकि 100 से अधिक इस कंपनी का मार्केट कैप है, तकरीबन 120 करोड़ के आसपास से, और फंड और शेयर प्राइस देखेंगे तो करेंट इसका जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर है। साथ में आरओई और आरओसी काफ़ी शानदार है, तकरीबन 30-40% के आसपास ये दोनों है। तो ये एक छोटी सी कंपनी में इतना ज़्यादा आरओई और आरओसी तो सामान्यतः आपको मिलता नहीं है, लेकिन इस कंपनी में तो ये एक बढ़िया कंपनी आपके लिए हो सकती है। अब इसमें करना क्या है कि आपको अब तक इसमें से बाहर नहीं निकालना, आपको इसमें समय देना है। जब तक इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है आपको तेज़ी बुक करना है। और चार्ट पर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चार्ट पर भी आप देखेंगे तो अभी इस कंपनी के लिए ये 3 रुपये का लेवल एक सपोर्ट का काम है, और जब तक ये 3 रुपये और 4 रुपये के बीच में तब तक आपको इंतजार करना है। मेरा अनुमान है कि ये 4 रुपये के ऊपर निकलेगा, आप इसमें थोड़ा समय दीजिए, 4 रुपये के ऊपर निकलेगा वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकालना चाहे तो निकल सकते हैं। अब देखिए ओवरऑल जो इस कंपनी के बारे में बातें थी मैंने बता दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर भी मन में कोई सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या MS स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।